क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मैं पता नहीं कब शेयर करूंगा कि हमारे ब्लॉग में मम्मी नहीं आ रही हैं, तो ऐसा क्यों? पापा भी हैं, वो सुबह सुबह वो 3-4 बजे उठते हैं, 3-4 बजे उठकर वो अपनी ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन एक हम लोग हैं, हम लोग को सुबह में बहुत लेजीपन होता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हमारा जो साइड वाला घर है वो भी अब कुछ दिन में बन के तैयार हो जाएगा, ये अभी ऊपर जाएगा फिर हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए थोड़ा खुला, तो नीचे तो बंद हो गया था पूरा चारों तरफ से, तो ये अब धीरे धीरे जो है खुला हुआ दिख रहा होगा। और अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अभी यहीं पर हम लोग का कपड़ा जो सूखता है, रंजना जब जा रही थी तो मेरा स्वेटर एक फीसी थी लाल उजला वाला, तो उसको वो सूख चुका है और उसको ही शायद हम पहन के निकलने वाले हैं। मेरे दोस्त का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शादी है, दोस्त का इम्पॉर्टेंट शादी नहीं है, दोस्त का शादी है, तो उन उसमें ही जाने वाले हैं हम, तो काफ़ी मज़ा आएगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं जाने वाला हूँ अभी गोरखपुर के साइड में, तो चलिएगा इस वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। अभी मैं जल्दी जल्दी सामान पैक कर लेता हूँ, तब तक आप लोग रंजना को सुनिए, तब तक मैं सामान पैक कर लेता हूँ। और आप लोग को सुबह के वीडियो में बहुत सारा कमेंट जो है वो अच्छा भी किए हैं, और बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, उसके लिए मैं फिर से एक बार बोलूँगा थैंक यू सो मच। और चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसे आप सब आयो, बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है दोपहर का टाइम है, तो मैं अभी लंच वगैरह कर ली हूँ और बाकी मैं सोची कि आप लोग से कुछ बातें करती हूँ। गाइस, आपको पता है मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वहाँ की फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। वहाँ रहते थे तो मम्मी जी रहती थी, या फिर दीदी रहती थी, या फिर मेरे हस्बैंड रहते थे, पापा जी रहते थे, तो वहाँ कभी कुछ वो लोग आवाज़ देते थे बनी, तो मुझे काफ़ी वो सब चीज़ अभी मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। आज मैं चलिए आप लोग से कुछ बातें करती हूँ। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी मैं मायके में हूँ, तो अभी मैं उतना कुछ कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं अपने मायके वाले फैमिली को उतना अपने ब्लॉग पे नहीं ले पा रही हूँ, तो खैर मैं बहुत जल्द दूँगी। अभी सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो गाइस, आपको बता दूँ मैं हम लोग टोटल 4 बहन हैं और मेरे 1 ही भाई हैं, तो वो मतलब कि सब लोग अभी हम लोग स्टडी वगैरह करते हैं, मेरी बहन भी है, वो लोग भी स्टडी करती हैं। तो मेरे पापा हालांकि एक बिजनेसमैन है, और हम लोग यहाँ पटना में काफ़ी टाइम से रहते हैं, बचपन से ही हम लोग रहते हैं, और यहाँ साथ में उठना बैठना पढ़ना लिखना सब कुछ मतलब कि हम लोग साथ में करते थे। मेरी एक बड़ी दीदी है, उनकी बहुत पहले ही शादी हो चुकी थी, तो वो अपने ससुराल रहती हैं। अब बाकी हम मतलब कि बाकी मुझसे 2 मेरी छोटी बहन है, तो वो लोग भी रहती है यहाँ, तो वो लोग भी, एक है जो फिजियोथेरेपी कोर्स कर रही है जो कि मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, तो वो करती है अभी। अब बाकी मेरी से बात जो मेरी बहन है तो वो करती है, वो भी उसका भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और वो भी अपना तैयारी में लगी हुई है। बाकी मेरा रहा तो मेरा भी बीकॉम कंप्लीट हो चुका है और मैं भी कंपटीशन लाइन में हूँ, तो मैं भी उसका प्रिपरेशन करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा शादी हो गया, तो अब देखते हैं आगे मुझे क्या करना है। गाइस, लाइफ ये ना, ये बहुत लाइफ में स्ट्रगल करना होता है। मेरे पापा बहुत मतलब कि इतने मतलब कि हम लोगों को कभी चारों पांचों भाई बहन में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं की, एकदम हम लोग को एकदम बेटी की तरह पढ़ाई लिखाई, बाहर कैसे रहना है, कहाँ जाना है, मतलब कि उन्होंने सब कुछ हम लोग को किया और आज भी वो करते हैं। अभी मुझे कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़े या फिर कुछ भी होना, तो पापा तुरंत हमेशा खड़े रहते हैं। वो मेरे मतलब कि पापा एकदम, अगर कोई कुछ बोलता है ना कि नहीं ये ऐसे नहीं करना है, तो मेरे पापा सबसे पहले वो स्टैंड लेते हैं कि नहीं, इन लोग लड़की है तो क्या, ये लोग हर एक चीज़ करेगी, कर सकती है। अभी अभी मेरी बहन आई है सामान पैक करना है, तो अभी ये इधर से उधर कर रही है। बाकी तो हम लोग हैं गाइस, मुझे
हमको मतलब कि था ना कि कभी अपने लाइफ में, और फिर तब तो मेरी शादी हो गई, अब बाकी अभी चल रहा है इन लोगों को ले चलना है क्या उसको। गाइस अभी मेरी बहन आ गई है तो अभी उससे बातें करी, लेकिन बहुत जल्द मैं मिलवाऊंगी उन लोगों से। गाइस आपको मैं बताऊं, मेरे एक होता नहीं फैमिली का कि हाँ चलो शादी कर दे तो सही रहेगा, तो उन्होंने किया। और फिर हम लोग साथ में यहाँ रहते थे पहले, शादी के पहले बहन लोग मतलब कि हम लोग सब साथ रहते थे और काफ़ी अच्छा लगता था। अभी तो बस मैं भी चली गई, तब मुझसे मेरी जो दोनों बहनें हैं वो लोग अब रहती हैं, तो वो अपना रहती, अभी मैं आई हूँ, तो इन लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लोग पूरा एकदम खुश भी हो गई है कि अरे नई दीदी आई है। बाकी तो और आपको बता दूँ, सब लोग सोचते होंगे ना कि अपनी दीदी बड़ी दीदी। गाइस मैं बहुत जल्द अपनी बड़ी दीदी से भी मिलवाऊंगी, बातें करवाऊंगी और उनको भी दिखाऊंगी। मेरे पास फोटो वगैरह है, लेकिन फोटो है तो एल्बम में वो रखा हुआ है, तो एल्बम अभी इधर उधर रखा हुआ तो मिल नहीं रहा है। बाकी मैं मतलब कि एक होता है ना कि जब बड़े हो जाओ तो सब सोचते हैं कि नहीं छोटा ही सही है, छोटा ही रहे, लेकिन जब छोटे रहते हैं तो सोचते कि अरे इतनी जल्दी बड़े कब हो गए। तो बस वही होता है, इंसान जब बड़े हो जाते हैं ना तो खुद पे खुद वो मैच्योरिटी या फिर खुद पे खुद वो समझ आने लगता है कि नहीं यार ये ऐसे होगा वैसे होगा। और साथ साथ फैमिली भी बहुत वो कहती है कि अरे नहीं अब बड़ी हो गई है, अब ऐसे करना है वैसे करना है, सब कुछ बहुत सारे मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाता है। बाकी वेल गाइस ये वाला बक्सा लेके जाना पड़ेगा हमको, और ये सारा सामान इसके अंदर था, सारा पैकिंग जो है अब ये सब निकाल दिए हैं, थोड़ा बहुत सामान जो है वो ट्रॉली लेके चले जाएंगे। तो जा रहे हैं गोरखपुर में, मेरा एक दोस्त का साथी है तो वहाँ पे जाना ज़रूरी है, तो ये सारा सामान पैक कर ले रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो क्या क्या है इसमें देख सकते हैं, गाइस एक सुबह सुबह हम लोग, मेरे पापा भी हैं, वो सुबह सुबह वो 3-4 बजे उठते हैं, 3-4 बजे उठकर वो अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। लेकिन एक हम लोग हैं, हम लोग को सुबह में बहुत लेजीपन होता है, उठ नहीं पाते हैं। लेकिन उन लोगों को सोचिए कितना मतलब कि कितना वो लोग इतने ठंड में भी वो लोग 4-5 बजे उठकर अपनी ड्यूटी जाते हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब क्या करें, जिसकी जिनके पापा फ्रूट्स का या वेजिटेबल का या फिर बिजनेस वगैरह करते हैं उनसे पूछिए, देखिए वो लोग मतलब कि ऐसे ही होता है बिजनेसमैन में कि पहले उठकर जाना होता है, काफ़ी अच्छा नहीं लगता है इतने ठंड में भी वो उठकर जाते हैं, बहुत ये लगता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम लोग किसी भी काम करने से पहले हम लोग बोलते कि नहीं अभी नहीं करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन एक पापा हैं वो लोग तुरंत में बोलते कि नहीं रहने तो तुम लोग मत, तुम मत करो मैं कर दूँगा, तो वो लोग कर देते हैं। अभी देखिए गाइस अभी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे नहीं हम खाना खाकर थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन एक पापा लोग हैं जो कि तुरंत खाना खाते हैं, फिर कॉल आ जाता है, फिर किसी चीज़ से कुछ अर्जेंट कॉल भी आ जाता है तो उन लोगों को निकलना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अभी तो बातें बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ बातें बतानी है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना रहने दे रही हूँ। और फिर जो भी है तो अभी अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मम्मी मेरी पैकिंग वगैरह कर रही है और मुझे भी पैकिंग करना है, अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करूँगी, फिर आप लोग से मिलूँगी। गाइस अब जो कुछ होगा वो जो गलती से होगा वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बाकी और आगे देखते हैं क्या मुझे सूट करना है। गाइस आप लोग कमेंट कीजिए मैं किस टाइप का वीडियो लाऊँगी अभी। और कुछ लोग कमेंट किए थे कि दीदी आप बारात में साड़ी लहंगा पहनो और तिलक में साड़ी, तो अभी मैं देखती हूँ मुझे क्या पहनना है क्या नहीं, तो जो भी होगा लुक आप लोग से तो रिवील करूँगी। बाकी अब मैं चलती हूँ उस वाले रूम में क्योंकि मेरी बहन मुझे बुला रही है, बोल रही कि आओ और फिर देख लेते हैं।
बाकी आप लोग मुझे प्यार दीजिए। और गाइज एक बात और बिल्कुल मैं बोलूँगी कि गाइज मेरे नेम से बहुत सारे फेक अकाउंट बन चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोग जितना हो सके रिपोर्ट कीजिए और मेरी मेन आईडी को फॉलो कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। जाते जाते मेरे इंस्टा आईडी है प्रिंस की रंजना, उसको आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय, लव यू ऑल। मेरी शादी है तो देखिए कितना यहाँ पर सब सारे जितने भी कपड़ा है सब निकाला हुआ है, सब पैकिंग अभी चल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा गाइज। और फिर ये इसमें भी इतना सारा सामान वगैरह सब रखा हुआ, तो अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या ब्लॉगिंग करें। तो मैं बोली कि चलो ये सब पैक नहीं हो रहा है, हाँ ले लो। और मेरी बहन भी पूछ रही है कि एक यहाँ पूजा है तो ये शर्मा रही है ये भी, और ये सब पूछ रहे कि दीदी ये ले ले वो ले ले। हम बोले कि ले लो तुम लोग का जो मन है। और यहाँ पे पूरा अभी थोड़ा रूम जैसे तैसे हो गया, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। मुझे ये ब्लू वाला को भी मेरा साइड कर दो। क्या ये लहंगा है? हाँ, क्रॉप टॉप क्योंकि ब्लू वाला को। अच्छा, क्रॉप टॉप। फिर तुम्हारा ब्राउन वाला कहाँ? ब्राउन वाला ही होने लगते हैं अभी। आप लोग देख सकते हैं ये लोग सब डिसाइड, अभी इन लोग का डिसाइड ही चल रहा है कि हाँ। अब आप लोगों को बता देते हैं कि पूरा जो बेड है वो ऐसा हो गया, अब कुछ दिन के लिए रूम बंद रहेगा और मैं निकलने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ ही है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो आएगा, खूब सारा रील्स आएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे हो गया है सामान पैक और थोड़ा रूम जो है थोड़ा सा आप लोग प्यार दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा इस वीडियो को लेके चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। मैं शायद कहीं और रहूँगा, गोरखपुर, तो आप लोग बस बने रहिए और खूब सारा प्यार दीजिएगा। आज रंजना का जो एक एक पॉइंट एक एक लाइन जो था वो एकदम सच में सभी के पापा लोग मतलब इतने ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और उनका हर एक चीज़ ऐसा सपना होता है कि हर एक चीज़ जो है कि हमारे बच्चे को मिले, चाहे वो कुछ भी मांग रहा है तो उनके अगर हाथ में हो तो वो खरीद के ला के दे देते हैं। तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, लव यू पापा जी, और सभी के पापा को मेरी तरफ से ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और आप लोग खूब सारा प्यार दे। और एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को मैं पता नहीं कब शेयर करूँगा कि हमारे ब्लॉग में मम्मी नहीं आ रही हैं, तो ऐसा क्यों, इसका जवाब अब हम नहीं देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।